राधे राधे, मैं जू आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, स्नैपडील, इन सभी वेबसाइटों पे आप अपने प्रोडक्ट को बेचकर कैसे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो बिक रहे हैं वो सारे इन वेबसाइटों के, कुछ तो वेबसाइटों के होते हैं, बाकी जो भी प्रोडक्ट हैं वो सेलर के होते हैंगे, कि आप भी इसमें सेलर रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आप मार्केट से परचेज करके बेचे हैं, और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम होते हैं, जैसे ज्वेलरी है, बैग है, और बहुत सारी चीजें हैं जो टेडी पॉट्स जो भी है जो आपको बनाना आता है, तो वो आप बनाकर आप इस पे बेच सकते हैं। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, इसमें एक जीएसटी नंबर लगेगा जो मैंने वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, तो आप इसमें अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी अपने सारे नए व्यूअर से, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। सबसे पहले अमेजन की वेबसाइट खोलेंगे, उसमें नीचे की तरफ लिखा हुआ है सेल ऑन अमेजन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले पेज पे आपको गेट स्टार्टिंग पे क्लिक करना है। अब यहां आपको रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना है। अब यहां क्रिएट अकाउंट करें, इसमें आप अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड ये सभी भर के क्रिएट अमेजन अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद स्टोर नेम में आप अपना बिजनेस नेम डालें। अब इसमें प्रोडक्ट की कैटेगरी और अपना जो भी फुल एड्रेस है वो इसमें पूरा फिल करें, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। इस तरह से आपकी सेलर इन्फॉर्मेशन भर जाएगी। अब इसमें पूछेगा टैक्स डिटेल, इसमें आपको अपना जीएसटी नंबर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और साथ में आपको इसमें पैन कार्ड नंबर भी देना है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसमें आपको सेलर इंटरव्यू भरना है, और फिर नेक्स्ट है चूज कैटेगरी, इसमें वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लें जो जो आइटम आप बेचना चाहते हैं। इसमें आपका कितने का जो बिजनेस का टर्नओवर है वो फिल करना है, और कितने एम्प्लॉई हैं वो आपको इसमें भरने हैं। जैसे आप किसी अदर वेबसाइट पर भी अगर आप सेलिंग करते हैं तो वो भी आप इसमें फिल करें, यस या नो जो भी है वो आप करें, फिर इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ आपका डैशबोर्ड खुल के आएगा, तो यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जैसे बैंक अकाउंट की डिटेल है, फिर इसमें आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करा के आप अपनी सेलिंग शुरू कर सकते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ऐसी और वीडियोस के लिए। बाय बाय।